Hi all, this is Anjali और इस वीडियो में हम करेंगे binary to decimal conversion जब आपके numbers आपको floating point form में given हो. That means points में given है, fraction है और आपको उसे decimal में convert करना है. तो आप कैसे करोगे? Before we start with this, we have already done integer division conversions from every base to every other base and now we'll be working with floating point. And this video is part of the BCA entrance exam preparation for year 2020. अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, एनी हाउ यू आर इन क्लास 11th, 12th, यू आर डूइंग बीसीए, बीटेक, बीएससी, एमसीए, एमटेक, एमएससी, दिस चैनल इज फॉर यू. यू कैन गेट कंटेंट अबाउट ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स ओवर हियर. सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप द नोटिफिकेशन ऑन सो दैट यू कीप गेटिंग अपडेट्स अबाउट न्यू अपलोड्स एंड लाइव क्लासेस. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, वी हैव टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, वेयर योर नंबर इज गिवन एज something like this. So my number is in points now. I have 1011.01. So हमने 1011 का तो किया हुआ है कि कैसे convert करते हैं. But what about decimal से पीछे वाला part? तो 1011 में क्या है? जी, आपको ये digits देखने हैं. Decimal के इधर कितने हैं? 4 और इधर हैं 2. So ये होगा 1 multiplied by 2 raised to the power 3, 0 multiplied by 2 raised to the power 2, 1 multiplied by 2 raised to the power 1, 1 multiplied by 2 raised to the power 0. अब जो डेसिमल के उधर चला जाता है वहां पे पावर्स नेगेटिव हो जाती है. तो ये हो जाएगा 0 into 2 raised to the power -1, 1 into 2 raised to the power -2. ये सिर्फ बाइनरी के केस में नहीं होता. अगर आप ऑक्टल टू डेसिमल कर रहे हो तो मेथड वही रहेगा जो हमने पहले किया था, लेकिन पावर्स नेगेटिव हो जाएंगे. सेम वे हेक्स डेसिमल के केस में भी. तो यहां पर आपके पास आंसर क्या होगा? 2 raised to the power 3 is 8, +0 +2 +1, ये तो 0 होगा. अब 1 into 2 raised to the power -2, 2 raised to the power -2 को हम 1 upon 2 raised to the power 2 लिख सकते हैं, which is actually 1 upon 4. So 8 plus 2 10 plus 11 +1 upon 4, which is 0.25. So आपके पास जो आंसर आएगा that would be 11.25 in decimal. So इस तरह से हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. सिर्फ इतना करना है कि फ्रैक्शन से इधर वाले को नॉर्मल जैसे पहले करते थे वैसे ही करोगे. जो फ्रैक्शन के इस तरफ है उसमें आपको पावर्स को नेगेटिव कर देना है. सो हमें पावर्स नेगेटिव लेनी है ताकि उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट कैलकुलेट हो सके. ये तो बाइनरी टू डेसिमल था. अगर ऐसे ही आपके पास ऑक्टल भी होता तो भी हम ऐसे ही करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर गिवन होता, लेट इट बी 1, 3, 5.24, लेट इट बी. सो इफ दिस इज योर ऑक्टल नंबर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट टू डेसिमल, तो 3 डिजिट्स हैं इस तरफ, तो ये होगा 1 into 8 raised to the power 2, 3 into 8 raised to the power 1, 5 into 8 raised to the power 0, +2 into 8 raised to the power -1, 4 into 8 raised to the power -2. So पहला आ जाएगा 64, +3 into 8 24, +5, +2 upon 8, +4 upon 8 square, which is 64. So 2 upon 8 will be 1 upon 4, and this would be 1 upon 16. Yeah. Yes, so it'll be 1 upon 16. तो ये आप सॉल्व कर लोगे कितना आता है. सो दिस इज 88 plus 5 is 93, 93 plus 0.25, और हमें अब निकालना पड़ेगा 1 upon 16 कितना होता है. तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो 1 upon 16 कितना होता है. ये तो डिवाइड होता नहीं, तो 10, it'll be 0.00 something. तो 0.005 कुछ आएगा मान लो. So, अगर ये आता है, इसके आगे का मैं नहीं लिख रही हूँ. सो यू कैन क्रॉस चेक दिस कैलकुलेशन. सो दिस शुड बी 93.255 एंड फर्दर. सो दैट वुड बी द डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर. सो बेसिकली आपको यहाँ पे जो समझना है वो है कि चेंज क्या हुआ. सो इंटीजर में हम सिर्फ 8 की या 2 की या 16 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस बेस से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो. एंड पावर्स जो है सब पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आ जाते हैं तो पावर्स आप
नेगेटिव में लोगे, सो डेसिमल के राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स हैं पावर्स बढ़ती जाएंगी इस तरफ राइट साइड पे, बट वो नेगेटिव में होंगे. सो नेगेटिव में बढ़ने का मतलब है इट्स डिक्रीजिंग. सो इट्स 8 raised to the power -1, 8 raised to the power -2 की वैल्यू उससे छोटी होगी, 8 raised to the power -3 की वैल्यू उससे भी छोटी होगी. सो वैल्यू कम होती जा रही है इस तरफ. सो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आपको किसी भी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है, और आपको जो कन्वर्जन है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की करनी है. सो दैट्स हाउ वी कन्वर्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स टू डेसिमल व्हेन दे आर गिवन इन पॉइंट्स लाइक दिस, राइट? सो आई होप आपको ये टेक्निक समझ आ गई होगी. इफ येस, डू क्लिक द लाइक बटन एंड डू सॉल्व दिस क्वेश्चन 100.11.101. This is binary. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाओगे और एक आप करोगे 32.44 को. This is octal. And if you want to try for an hexadecimal one, so it will be like A5.B. इसको आपको कन्वर्ट कराना है डेसिमल में. So, ये तीन नंबर्स जो हैं, यू विल कन्वर्ट दीज 3 इनटू डेसिमल एंड राइट द आंसर इन द कमेंट्स बिलो. लाइक आप अभी तक कर चुके होंगे वीडियो को, सो अब शेयर भी कर देना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर बाय चांस आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो. बाय द टाइम आई अपलोड मोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.